रूफसाजी और काशीकारी एक सनत है जिसका नाम मुल्तान से ऐसा जुड़ा है कि लोग इसे मुल्तानी आर्ट के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम सिंध को फतह करते हुए मुल्तान में आया, तो ये ब्लू पॉटरी के काम उस वक्त से जारी है यहाँ पर। इस फन के कदीम होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कुछ मकामात की खुदाई के दौरान मिलने वाले इन बर्तनों के टुकड़ों पर तहकीक की गई तो पता चला कि ये 6000 साल पुराने हैं। मुल्तान का जब जिक्र आता है तो हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि ये शहर बहुत पुराना है और इस शहर में होने वाले जितने भी फ़नून हैं वो भी उतने ही कदीम हैं। आसार कदीमा दे बहुत पुराना कदीम काम है पिया इन्हें जो मुल्तान के मकाबिल मकबरे मसाजिद जड़े हैं पुराने आज भी तुम देख सकते हो नको कि वो ये बहुत आलीशान काम है। ये फन जो था ये यूनान से आया था। यूनान में हमारे कुछ लोग गए थे, वहाँ से ये फन आता आता सिंध में भी आ गया, मुल्तान में भी आ गया। इन बर्तनों की तैयारी के लिए कई अकसाम के मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन इसमें बड़ा हिस्सा मिट्टी का होता है। जो मटेरियल है ये खास जो हमारी मिट्टी है मुल्तान की चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, टेराकोटा भी कहते हैं, रेड क्ले भी कहते हैं, असल में हमारा जो अपनी ज़बान में इसको चिकनी मिट्टी कहते हैं हम, ये आती है बिल्कुल दरिया के अंदर से, जहाँ दरिया बहता हो तो वहाँ पे जो मिट्टी होती है वहाँ से फिर हम ले के आते हैं। क्योंकि दरिया बहता है उसमें अंदर जो उसके पत्थर जो कंकड़ बिल्कुल फिल्टर हो जाती है वो मिट्टी, वो फिर हमारे काम आती है। मिट्टी की तैयारी से लेकर भट्टी में पकाई तक मुख्तलिफ मराहिल आते हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि पहले इन बर्तनों की तैयारी में रेड क्ले यानी मुल्तान की आम चिकनी मिट्टी इस्तेमाल की जाती थी लेकिन इस मिट्टी से तैयार शुदा बर्तन ज़्यादा पायदार नहीं होते थे, इसलिए इन बर्तनों की तैयारी में एक ख़ास किस्म की सफ़ेद मिट्टी भी डाली जाती है। इस मिट्टी को बारीक पीस कर एक गाढ़ा महलूल बनाया जाता है लेकिन बर्तनों की तैयारी शुरू करने से कबल मतलूबा शे की ड्राइंग देखकर पहले मॉडल तैयार किया जाता है। ये मॉडल तैयार होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, फिर ये देखा जाता है कि कौन सी शे बनानी है, कितनी बड़ी बनानी है, इसके लिए मुकम्मल नपाई तुलाई की जाती है। सबसे पहले उसकी मेजरमेंट निकाली जाती है, मॉडल तैयार होने के बाद फिर उसकी मोल्ड बनेगा, डाई बनेगी, डाई बनने के बाद खुशक होने के बाद वो हम अपना प्रोसेस में ले आएंगे कास्टिंग। कास्टिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद बने हुए पीस बाहर निकाल लिए जाते हैं और इन्हें मजीद खूबसूरत और अपनी मर्जी की शक्ल में ढालने के लिए हाथ से तराश खराश की जाती है। मुख्तलिफ क्ले इस्तेमाल होती है जिसमें सिंध क्ले है, बार क्ले है, C11 है, क्वाड है, फल्सफार है, ये सब एक कुलिए के तहत इस्तेमाल होती है। अगर 1000 kg का ब्याज इस्तेमाल करना है तो 250 kg क्वाड्स और 250 kg फल्सफार, 500 kg सिंध क्ले और 50 kg C11। C11 इसलिए डालते हैं कि इसमें वाइटनेस ज़्यादा आ जाए और इसमें मजबूती और पीस भी लाइट वेट होंगे। मुख्तलिफ बर्तन बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें मुख्तलिफ मशीनों का इस्तेमाल होता है। जैसे प्लेटें बनाने के लिए पहले मिट्टी को एक मशीन में डालकर गूंदा जाता है, ये गूंदी हुई मिट्टी एक सिलेंडर नुमा शक्ल में बाहर आती है जिसके टुकड़े काटकर दूसरी मशीन की मदद से प्लेटें तैयार हो जाती हैं। जो जो चीज़ बनानी है हमने, टाइल बनाना है और बर्तन बनाने हैं, डेकोरेशन पीस बनाना है, मिट्टी से फिर वो चीज़ें बनाते हैं, फिर इसको धूप में सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर इसके ऊपर एक अस्तर की तह चढ़ाते हैं जो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें जो सफ़ेद कलर आ रहा है ये एक पत्थर है, ये दरा गाजी खान से आता है, इसको हम कोट के पीस के फिर इसको इस्तेमाल में लाते हैं, ये सफ़ेद कलर देता है, ये अस्तर कहलाता है। अस्तर करने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है वो डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग भी खुद करते हैं। बर्तन तैयार होने के बाद इसके अच्छे तरीके से फिनिशिंग की जाती है और फिर इसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद इन बर्तनों पर काशीकारी यानी डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर दिया जाता है।
पहले मुख्तलिफ रंगों को इस्तेमाल करके इंक तैयार की जाती है। ये मखसूस इंक इन मखसूस रंगों से तैयार होती है जो ऑक्साइड से हासिल किए जाते हैं। काशीकारी का काम मुकम्मल होने पर तैयार होने वाले बर्तनों पर नीला रंग गालिब होता है, इसी मुनासिबत से इसे ब्लू पॉटरी यानी नीले बर्तन कहा जाता है। मुल्तान की फन काशीकारी में नीले रंग के इस्तेमाल की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मुल्तान एक गर्म इलाका है, इसलिए नीला रंग यहाँ पर आसमान की ठंडक को जाहिर करता है, जबकि औलिया का शहर होने के नाते आसमानी रंग को तसव्वुफ का अस्तारा भी समझा जाता है। यानी काशीकारी में नीले रंग का इस्तेमाल सूफी अज़्म की अक्कासी करता है। बर्तन साजी हमेशा से यहाँ राइज है, लेकिन इस बर्तन साजी में फिर कुछ हुनरमंदों ने ये किया कि उसे मुल्तान की सकाफत और मुल्तान की रिवायात के साथ जोड़ा और मुल्तान की धरती के साथ उसका रंग बनाया। मुल्तान के उस्तादों ने ये दो ठंडे रंग इस्तेमाल किए, जिसमें नीला रंग और डार्क ब्लू रंग, ये दोनों रंग मुल्तान के ख़ास रंग हैं, गर्म टाइम के ठंडे रंग। यानी जब आप देखें सुबह के टाइम आसमान को फजर की नमाज़ के बाद, तो आसमान लाइट फिरोजी होता है और बड़ा ठंडा मौसम होता है, चाहे सख्त गर्मी भी हो। और इसी तरह सूरज ग़ुरूब होने के बाद जब आप आसमान को देखें तो डार्क ब्लू होता है और बड़ा ठंडा मौसम होता है। तो उस्तादों ने यही दो रंग उठा के स्टाइल पर लगा दिए। काशीकारी का ये अंदाज और नीला रंग दरअसल उस वक्त मुल्तान आया जब ईरानी काशीकार हिजरत करके इस इलाके में आए और फिर उस्ताद आलम जैसे हुनरमंदों ने इस किस्म की बर्तन साजी को मुल्तान की सकाफत बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस फन में बेशुमार लोगों ने नाम कमाया, लेकिन मुल्तान के हवाले से उस्ताद मोहम्मद आलम मरहूमा मखूर एक ऐसा नाम थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया में इस फन को मुतारफ़ करवाया और हुकूमत जापान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आला एजाजात हासिल किए। असल रिवायात यही कहती हैं कि जो लोग ईरान से काशीगर हिजरत करके आए, उन्होंने यहाँ इस रंग को फ़रोग दिया और फिर ये मुल्तानी रंग कहलाने लगा। कारीगरों की महारत और ब्रश का सही इस्तेमाल डिज़ाइन को चार चांद लगा देता है। यही वजह है कि इस काम में मुल्तान का नाम मशहूर है और दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तानी कारीगर दुनिया में यकताओ यगाना है। काशीगरी का काम मुकम्मल होने के बाद बर्तन को ग्लेजिंग के अमल से गुजारा जाता है, यानी इस पर एक केमिकल की तह चढ़ाई जाती है, जिसके बाद तैयारशुदा माल को भट्टी में डालने का अमल शुरू हो जाता है। शीशे को हम उसको साफ करके उसको बिल्कुल पीस के बरी को मिक्स करके वो एक तह चढ़ाते हैं। जब शीशे की तह चढ़ जाती है तो फिर इसको हम भट्टी में डालते हैं। इन बर्तनों को 16 से 18 घंटे तक भट्टी में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पकाया जाता है। बर्तन पर चढ़ाया गया केमिकल शफाफ शीशे की सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस पर बने डिज़ाइन पक्के हो जाते हैं और इसमें ज़बरदस्त चमक पैदा हो जाती है। इसके ऊपर जो कलर्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे इंपोर्टेड होते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है और मल्टी कलर इसमें जो लोग पसंद करते हैं। मुल्तान की सकाफत का हिस्सा सदियों से इस इलाके का खासा है। यहाँ के काशीगर नस्ल दर नस्ल ये काम करते चले आ रहे हैं। मोहम्मद वाजिद भी इन्हीं कोहना मश्क काशीकारों में से एक हैं जिन्होंने ये काम अपने बाप दादा से सीखा है और अब इनके बच्चे भी इस शोबे से वाबस्ता हो रहे हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं अपने वालिद साहब की ये दुकान है, मैं उनसे सीखता भी हूँ और मैं करता भी हूँ। ये जो काशीगरी का काम है ये तकरीबन हज़ारों साल, इसकी जो हमारे जो मज़ारात हैं इनमें कोई 1500 साल इसके ऊपर टैल का काम किया हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो है हमारे अबा अजदाद थे, उनके साथ और भी काफ़ी हुनरमंद थे हज़ारों की तादाद में। तो इसमें जो ये काशीगरी का काम है ये हमारे बुज़ुर्गों के हिस्से में आया, तो फिर उन्होंने यहाँ पे जो मज़ारात सबसे पहले ये काम मज़ारात पे होते थे, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए या आते थे, मनते मनते थे,
तो वहाँ पे उनको काम देख के यानी कि उनका दिल खुश होता था। वहाँ पे फिर मज़ारों से ऐसा ऐसा मसाजिद में, फिर ऐसा ऐसा मकान अपना कोठियों में मकानों में। आजकल जो है ये ज़्यादा इसका दूसरा जो चाइना किले भी आ गया उसमें काम यही होता है, लेकिन वो थोड़ा चेंज है। ये बिलू पार्ट्री है, ये हुनर जो है मज़ारात से उठकर अब लोग घरों की तरफ लेके आ गए हैं। मैंने देखा है कि मुल्तान के बेशुमार घरों के मेहराबों पर ये अब ब्लू पार्टी का काम दिखाई दे रहा है। घरों के अंदर और ख़ास तौर पर ड्राइंग रूम्स के अंदर और बेडरूम्स के अंदर भी ये फ़न मुख्तलिफ सूरतों में, गुलदान हैं, लैंप्स हैं, क्रॉकरी है, एक्स्ट्रे है और कलमदान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्तान की ब्लू पॉटरी की मकबूलियत में रोज़ बरोज इजाफा हो रहा है और बैरून मुल्क भी इसकी मांग बढ़ रही है। मुल्क के दूसरे हिस्सों से आने वाले भी इस ब्लू पॉटरी को मुल्तान की सौगात के तौर पर ले जाते हैं। जिला शेखपुरा से आया हूँ और मैं ये ब्लू पॉटरी खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए आया हूँ। ये मुल्तान का ख़ास यहाँ पे सकाफत के साथ पाकिस्तानी सकाफत है और मैं अपने घर के लिए डेकोरेशन पीस के तौर पे थोड़ा सा लेने आया था, लेकिन अब मैंने 30-35 हज़ार का परचेज़ किया है और अपनी जेब की तरफ देख के बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आऊँगा, दोस्तों को भी गिफ्ट करूँगा जो मैं लेके जा रहा हूँ, उनको भी माइंड उनका भी बनाऊँगा कि वो आएँ और देखें पाकिस्तान में क्या क्या हमारा दूसरे मुल्कों से बेहतरीन चीज़ अच्छी बन रही है। जदीद दौर में भी जब हर तरफ मशीनों का दौर दौरा है, इंसानी हाथों से तैयार किए जाने वाले ये फन पारे अपनी अहमियत जता रहे हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।